फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने अनुमान जताया है कि देश में सोयाबीन का उत्पादन सरकारी अनुमान से कम है। सी के अनुसार सोयाबीन उत्पादन 10 मिलियन टन रहा, जबकि सरकारी अनुमान 13.83 मिलियन टन का है। बीते सीजन में सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों और असल आंकड़ों में अंतर होने की बात सी ने कही है। सी ने कहा है कि इसलिए बाजार में सोयाबीन की आवक का दबाव नजर नहीं आ रहा है। घरेलू बाजारों में कमजोर मांग के बीच सोया तेल की सप्लाई आगे बढ़ने का अनुमान है, जिसके चलते हाजिर बाजारों में सोया तेल की तेजी थम गई है, जबकि KLC 149 प्लस और प्रोजेक्शन 87 प्लस पर बंद हुआ। इंदौर में सोयाबीन तेल 1550, पाम तेल इंदौर 1530 रुपए प्रति 10 किलो के भाव पर स्थिर रहे। सोया और CPO में अंतर कम होने से इंपोर्टर्स सोया तेल में खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में अर्जेंटीना और ब्राजील से शिपमेंट बढ़ने की उम्मीद भी है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।